अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे। मैंने आपसे पूछा था कि मैं कबूतरों को किस तरह से पक्का करूँ, तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट में ये जवाब दिया कि भाई आप इनके पर बांध दें। तो मैंने फिर यही फैसला किया कि मैं इन तीनों कबूतरों के पर बांध देता हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं इनको मास्टर केज की छत के ऊपर छोड़ दूँगा। तो अभी दोस्तों, मैं सबसे पहले पर बांध देता हूँ इनके, तो मैं कहीं पर बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं फ़र्स्ट टाइम पर बांध रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से बांधते हैं, तो आपने मुझे फिर कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि मैंने पर ठीक बांधे हैं या गलत बांधे हैं। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सही है, ये अब कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ठीक हमने पर बांधे हैं। इस कबूतर के भी पर बांध लिए हैं मैंने, तो ये भी मैं छोड़ देता हूँ और अब रहता है आखिरी कबूतर। तो अब मैं दोस्तों इसको भी छोड़ रहा हूँ और ये भी हमने छोड़ दिए हैं बाहर। माशाल्लाह से दोस्तों ये पानी भी पीने लग गए हैं, प्यास लगी होगी इनको। तो एक चीज़ दोस्तों, मैंने आपको एक और दिखानी है। दिखाना मैंने क्या है, हमारी मुर्गी जो अंडे दे रही है दोस्तों, वो कुड़क हो चुकी है। उसने तकरीबन दोस्तों 12 अंडे दिए हैं और अभी शायद उसका आखिरी अंडा है और अब मुझे लग रहा है कि मुर्गी कुड़क हो गई है। और वो देखें, सामने बैठी हुई है, ये देखें, ये देखें दोस्तों, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो दोस्तों, एक दिन छोड़ के मैं इसको, मतलब कल इसके नीचे अंडे रखूँगा जब ये पक्की कुड़क हो जाएगी। अब भी है तकरीबन, लेकिन अभी मैं अंडे रखना नहीं चाहता क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर नहीं बिठाना, मैंने दूसरी जगह बिठाना है। फिलहाल ये अपना कुड़क पक्का कर ले तो फिर इसके नीचे हम अंडे रखेंगे। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दोस्तों दिखाता हूँ, परेशानी वाली बात है दोस्तों। ये आपको पता है कि 3 दिन पहले हमारी ज़ेब्रा फिंच ने बच्चे निकाले थे, आपको मैंने एक बच्चा उसका दिखाया था, ठीक है। तो फिर बहुत सारे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आए थे कि भाई आप बच्चों को ना उठाएं, ज़ेब्रा फिंच को ना तंग करें, तो मैंने फिर उसको अपने हाल पर छोड़ दिया था दोस्तों। फिर मैंने अगले दिन सुबह जब हुई थी, जब ज़ेब्रा फिंच नेस्ट से बाहर थी, तो फिर मैंने झाँक कर देखा था। तो मैंने जब देखा दोस्तों, को जो हमारा बच्चा निकला हुआ था, हमारी ज़ेब्रा फिंच का बच्चा निकला हुआ था, वो मरा हुआ था दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ दोस्तों। मैंने उस बच्चे को उठाया और देखा उस बच्चे की थैली, खुराक वाली थैली जो होती है, बिल्कुल खाली थी। मैं परेशान हो गया, क्यों ऐसा किया होगा ज़ेब्रा फिंच ने, इसको क्यों खुराक नहीं दी होगी, इसका मेल नहीं है दोस्तों इस ज़ेब्रा फिंच का। इस ज़ेब्रा फिंच का मेल आपको पता है कुछ दिन पहले मर गया था। तो दोस्तों, जब तक पूरे अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते ना, उस टाइम तक फीमेल बच्चों को फीड नहीं कराती, इस दौरान मेल बच्चों को फीड कराता है। मेल तो हमारे पास दोस्तों था नहीं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, तो जिसकी वजह से फिर हमारा बच्चा मर गया था। तो दोस्तों, अब हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि अब कितने बच्चे ज़ेब्रा फिंच के बाहर आ गए अंडों से, वो देखते हैं। मुझे तो पता है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक अंडा ज़ेब्रा फिंच ने वेस्ट भी कर लिया है, क्योंकि वो अंडा ख़राब था, तो इस वजह से उसने अपने घोंसले से बाहर फेंक दिया। तो बाकी अब एक अंडा सिर्फ बचा हुआ है और आपको मैं दोस्तों बच्चे दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, अभी भी ज़ेब्रा फिंच इसी के अंदर बैठी हुई है, ये देखें माशाल्लाह। और अब मैं आपको इसके बच्चे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। और एक परेशानी है दोस्तों, ये बच्चों को फीड नहीं करा रही। फीड क्यों नहीं करा रही, मैंने आपको बताया है कि इसका मेल नहीं है, तो इन बच्चों को दोस्तों अब मैं फीड कराऊंगा, मैंने फीड कराने का सोचा है। तो मैं ये बच्चे दोस्तों उठा लेता हूँ, ये देखें, एक ये फीड के लिए मुंह खोला हुआ है बच्चे ने, और एक और बच्चा भी दोस्तों है, मतलब टोटल 2 बच्चे हैं अब और एक अंडा है। मैं देख नहीं पा रहा दोस्तों, एक मिनट, ये देखें, एक अंडा और 2 बच्चे। मैं इन बच्चों को उठाता हूँ दोस्तों और हैंड फीड कराता हूँ दोस्तों, क्योंकि माँ इनको नहीं खिला रही। अगर मैं इनको हैंड फीड नहीं कराऊँगा दोस्तों, तो क्या होगा कि ये भी मर जाएंगे जिस तरह से पहला इसका बच्चा मर गया था। तो एहतियात से दोस्तों, ये देखो माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बच्चे हैं दोस्तों। तो एक मिनट, ये जी एक बच्चा
मैंने उठा लिया है दोस्तों, बल्कि दोनों ही आ गए हैं मेरे पास। और मैं देखता हूँ कुछ तो इनको दोस्तों मैं हैंड फिट कराता हूँ। ये देखें मुंह खोला हुआ है इन्होंने, और इसका देखें बिल्कुल पेट खाली है इसका, मतलब इसकी जो थैली होती है खुराक वाली बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। और सुबह ये दोस्तों अभी निकला है तकरीबन 2 घंटे पहले, और ये जो निकला हुआ है सुबह निकला था ये, इसको मैंने हैंड फीड कराई थी, स्टार्ट मैंने कर दिया था हैंड फीडिंग का। ये बच्चा नया है, इसको माँ ने अभी कुछ भी नहीं दिया, और ये मैंने इसको हैंड फीड कराई थी, इसकी थैली में कुछ मतलब खुराक है, तो इसको अब मैं थोड़ी सी और खिला दूँगा। अच्छा दोस्तों, मुझे एक और खुशी ये भी है, अगर मैं इनको हैंड फीड ऐसे ही कराता रहूँगा ना, ये टेम हो जाएंगे, मतलब मेरे आदि हो जाएंगे और मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो ये देखें इसने मुंह खोला हुआ है दोस्तों, और इसको अब मैं ये माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, अब और भी मांग रहा है ये दोस्तों, मैं और खिला देता हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह, तो ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, तो अब इसको मैं खिला देता हूँ दोस्तों। जी ये न्यू बॉर्न है, ये अभी अभी दोस्तों तकरीबन 2 घंटा पहले निकला है, ये तो सुबह निकला था। तो ये देखें इसकी फर्स्ट फीड है ये दोस्तों, ये जी ये माशाल्लाह, मैंने एक ड्रॉप डाला है दोस्तों, लेकिन और मांग रहा है ये माशाल्लाह दोस्तों। ये देखें इसने खा लिया है जो मैंने एक ड्रॉप डाला था, और मजीद मांग रहा है दोस्तों, देखिए माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैंने ज़ेबरा फिंच के बच्चों को फीड करा ली है, और आप देख सकते हैं इनकी खुराक वाली थैली, ये देखें माशाल्लाह खुराक की थैली इसकी फुल हो गई है। तो दोस्तों अब मैं इन बच्चों को इनके घोंसले में रख रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि ये बच्चे दोस्तों बच जाएँ, क्योंकि पहला बच्चा जो मरा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मैं बार बार ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, क्योंकि यार मैं बहुत प्यार से इनको लेकर आया था। तो मैं देख लूँ ये ठीक है, सही है। तो दोस्तों हम जाते हैं बाहर, और अपने कबूतरों के पास चलता हूँ मैं, और खुराक वगैरह डालता हूँ उनको। हाँ तो दोस्तों ये कबूतर हमारे अंदर चले गए हैं, लेकिन मैं इनको अंदर नहीं छोड़ सकता, उधर मुर्गी है और वो होगी डिस्टर्ब। तो एक कबूतर मैं पकड़ लेता हूँ इनको, लेकिन नहीं आ रही है, अंदर नहीं आ रहे, और मुर्गी डिस्टर्ब हो रही है, ना हो कि मुर्गी इनको मारना शुरू कर दे। ये खुद ब खुद दोस्तों बाहर आ जाएंगे, मैंने इनको दाना वगैरह डालना था, लेकिन अब ये इससे खुडे के अंदर चले गए हैं, तो अब मैं नहीं डाल सकता दाना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।